टॉलीवुड के सुपरस्टार अजीत को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, उनके बहुत सारे टैलेंट हॉबी ऑफ इंडिया को प्राउड दिला चुके हैं। फिर चाहे फार्मूला रेसिंग की बात हो, बाइक रेसिंग हो, हवाई जहाज का लाइसेंस लेना हो या फिर शूटिंग प्रैक्टिस, अजीत हर मोर्चे पर हरफन मौला एक्टर माने जाते हैं और लगता है सलमान खान के साथ उनकी स्पेशल बॉन्डिंग बैठती है। इसलिए उनकी ज्यादातर मूवी रीमेक करने का नाम जब भी आता है सलमान खान को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। आपको याद होगा साल 2014 में उनकी एक मूवी आई थी वीरम, जो कि तमिल की ब्लॉकबस्टर मूवी थी और बहुत ही सेक्सी स्टाइल में अजीत ने पूरा करेक्टर पिक ऑफ किया था। हालांकि सलमान खान ने उसको रीमेक किया किसी का भाई किसी का जान के नाम से और मूवी का बंटाधार कर दिया, लेकिन सलमान खान अजीत की बाकी फिल्मों को भी टच करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब अगले साल यानी 2015 की एक मूवी को हाथ लगाने की सलमान खान ने सोची है, जिसका नाम था ये नई अरिंधाली। ये मूवी बहुत ही सुपर ब्लॉकबस्टर कॉप ड्रामा थी, जो कि साउथ के सुपरस्टार एक्टर डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन ने बनाई थी। मूवी अंडर कॉप कवर ड्रामा जो बाद में ऑर्गन स्मगलिंग जैसे इशू को उठाता है, यानी टॉपिक बहुत ही हार्ड हिटिंग है और सलमान खान के पर्सोना से बहुत मैच नहीं खाता। बिकॉज सलमान खान ने अब तक जितने भी कॉप ड्रामा किए हैं थोड़ा मस्ती टाइप के किए हैं, फिर चाहे वांटेड हो या दबंग, लेकिन अजीत की इस मूवी में कॉप बहुत इंटेंस है। यहाँ तक अजीत ने इस मूवी के लिए बाल बहुत छोटे ट्रिम कराए थे। अगर सलमान खान इस मूवी को रीमेक करते हैं तब तो बहुत ज्यादा उनके कैरियर में डिफाइनिंग रोल होगा और सलमान खान को आजकल ऐसे किरदारों की डिमांड भी है। हालांकि गुड न्यूज के साथ डर भी पैदा होता है, बिकॉज सलमान खान जब भी किसी ऐसी मूवी को उठाते हैं पता नहीं उसको बेकार कैसे कर देते हैं। वरना वीरम का रीमेक किसी का भाई किसी की जान के तौर पर कोई बना सकता है, ऐसा इमेजिनेशन से परे है। अजीत का एक पर्सोना है, मैजिक है। अगर आप ओरिजिनल तमिल मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो किस तरीके से हर करेक्टर को पुल ऑफ करते हैं। फिर चाहे ऑटो ड्राइवर का रोल हो या सुपर कॉप एंटी रोल हो, हर तरीके से अजीत अपने स्वैग से पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। लेकिन सलमान खान बहुत ही चार्मिंग रोल कर पाते हैं, लेकिन जहां पर रोल बहुत अंडरटोन प्ले करना होता है सलमान खान को थोड़ी मुश्किलात आती है। कह लीजिए सलमान खान बहुत ज्यादा उसमें इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हालांकि बोनी कपूर ने अजीत की एक और मूवी को सलमान खान के लिए रीमेक के लिए तैयार रखा था, जिसका नाम था वेलामई। वो भी सलमान खान के पर्सोना से मैच खाती थी, बट चूंकि वेलामई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि तमिल बेल्ट बहुत अच्छी चल पाई थी, लेकिन पैन इंडिया मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई, इसलिए बोनी कपूर ने पूरा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। अब सलमान खान की नजर इसी मूवी पर, यानी ये नई अरिंधाली पर। अब देखने वाली बात होगी सलमान खान इसको पोखरी की वॉन्टेड बनाते हैं या फिर वीरम की किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।